आज की वीडियो थोड़ी सी स्पेशल है। थंबनेल एंड टाइटल देखकर आप लोग समझ गए होंगे। तो आज फ्रेंडशिप डे है। सबसे पहले तो आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी फ्रेंडशिप डे। अपने फ्रेंड्स के साथ खूब सारी मस्ती करो एंड एंजॉय करो। तो आइए गाइज अपनी वीडियो शुरू करते हैं। गाइज इस वीडियो में मैंने इन पांचों की दोस्ती की वो सारी इन्फॉर्मेशन एड करने की कोशिश की है जो की सटीक एंड ट्रस्टेड है। आज फ्रेंडशिप डे के मौके पर मैं आपको इन पांचों की दोस्ती की कहानी सुनाने वाली हूँ। मोहक एंड कुशनाल की दोस्ती कैसे हुई, मोहक एंड कुणाल की दोस्ती कैसे हुई, वो आप इन दोनों वीडियोज में देख सकते हैं। पर क्या आपको पता है कि नितेश एंड कुणाल की दोस्ती कैसे हुई, नितेश एंड मोहक की दोस्ती कैसे हुई, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। तो गाइस वीडियो पूरी देखना, आपको वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से मैं आपको बताऊंगी कि इन पांचों की दोस्ती कैसे हुई। गाइस वैसे तो मोहक ही इन सबको मिलाने वाली कड़ी है, पर यहाँ पर कहानी की शुरुआत होती है कुणाल से। 2018 में कुणाल ने जब अपने 12th कम्प्लीट कर लिया तो उनके मम्मी पापा ने उनको दिल्ली कोचिंग करने के लिए भेजा। अब कुणाल हॉस्टल में रहते थे एंड कोचिंग अपने हॉस्टल वाले दोस्तों के साथ चिल किया करते थे। एक दिन उनको टिकटॉक के बारे में पता चला एंड मजे मजे में उन्होंने टिकटॉक वीडियो बनाना स्टार्ट कर दी। स्टार्टिंग में मजे मजे में टिकटॉक बनाने के बाद कुणाल को इसमें थोड़ा इंटरेस्ट आने लगा और फिर वो अपने दोस्तों के साथ भी टिकटॉक बनाया करते थे। धीरे धीरे कुणाल का अकाउंट ग्रो होने लगे, कुणाल टिकटॉक पर फेमस होने लगे, धीरे धीरे उनके फॉलोअर्स बढ़ने लगे और कुणाल को इसमें और ज्यादा इंटरेस्ट आने लगा। कुणाल अपने दोस्तों के साथ टिकटॉक बनाने अक्सर सीपी जाया करते थे। वहीं पर एक दिन उनकी मुलाकात नितेश से हुई। बहुत ही कम लोग जानते हैं कि नितेश स्टार्टिंग से ही अपने भैया के साथ दिल्ली में रहते थे। नितेश ने अपनी स्कूलिंग दिल्ली से ही कंप्लीट की है एंड उस टाइम पर नितेश टिकटॉक पर फनी वीडियो बनाया करते थे जो कि उनकी वायरल भी होती थी। धीरे धीरे नितेश एंड कुणाल आपस में मिलते रहे, इनकी मुलाकात होती रही और ये दोस्त बन गए। जब कुणाल की कोचिंग कम्प्लीट हो गई तो कुणाल हॉस्टल से शिफ्ट करके अपने दोस्तों के साथ एक पीजी में रहने लगे। अब इसी सेम टाइम पर 2018 में ही मोहक भी अपने होम टाउन हिसार हरियाणा में वीडियो बनाया करते थे टिकटॉक के थ्रू ही एंड उनके भी अच्छे खासे फॉलोअर्स थे और वो भी फेमस हो चुके थे टिकटॉक पर। गाइस ये एक एस्टिमेट डे है। मैं भी इसी टाइम पर मार्च और अप्रैल 2019 को अपने एक फ्रेंड रिया की बर्थडे पार्टी अटेंड करने के लिए मोहक दिल्ली गए। वहाँ पर रिया ने अपनी एक फ्रेंड सुरभि से मोहक की मुलाकात करवाई। जी हाँ, ये हमारी ही क्यूट वाली सुरभि है। गाइस आप ये वाली पूरी स्टोरी इस वाली वीडियो में डिटेल से देख सकते हैं, यहाँ मैं आपको कुछ कुछ ही बताऊंगी। इस पार्टी में मोहक सुरभि की दोस्ती तो नहीं हुई और बल्कि इनका छोटा सा झगड़ा हो गया। मोहक ने सॉरी बोलने के लिए सुरभि को इंस्टाग्राम पर मैसेज किया, फिर इनकी हल्की फुल्की दोस्ती हो गई। इन दोनों की दोस्ती पक्की तब हुई जब मोहक का इंस्टाग्राम अकाउंट हैक हो गया था एंड सुरभि ने मोहक की हेल्प की थी। गाइज अभी यहाँ मोहक सुरभि की दोस्ती हुई है एंड वहाँ नितेश कुणाल की दोस्ती चल रही है। फिर कहानी में आता है ट्विस्ट। मोहक स्ट्रगल करने के लिए मुंबई चले गए, पर मुंबई मोहक के लिए बुरे सपने की तरह ही साबित हुआ। मोहक जब मुंबई में ही थे तो यही वो टाइम था जब कुणाल एंड मोहक की मुलाकात हुई। ये मुलाकात आमने सामने वाली नहीं थी बल्कि इंस्टाग्राम पर हुई थी। दरअसल कुणाल को पता था कि मोहक का इंस्टाग्राम अकाउंट हैक हो गया था एंड इस बार ये प्रॉब्लम कुणाल के साथ हुई थी। कुणाल ने मोहक से हेल्प मांगने की सोचा एंड मोहक को इंस्टाग्राम पर डीएम किया। मोहक ने कुणाल को अपना नंबर दिया एंड बोला कि कॉल पर बात करते हैं। फिर इन दोनों का नंबर एक्सचेंज हुआ एंड इनकी बात हुई। मोहक कुणाल को पहले से ही जानते थे, उन्होंने उनकी वीडियो देखी हुई थी, बट बात पहली बार ही हो रही थी। 3-4 महीने मुंबई रहने के बाद मोहक दिल्ली आ रहे थे सुरभि से मिलने, तो मोहक ने ये बात कुणाल को फोन करके बताया कि मैं दिल्ली आ रहा हूँ। तो कुणाल ने कहा कि हाँ हाँ भाई, आप मेरे पास आ जाओ मेरे पीजी पर। फाइनली अक्टूबर 2019 में मोहक एंड कुणाल की रेलवे स्टेशन पर पहली बार मुलाकात हुई। ये आप देख सकते हैं, मोहक को कुणाल के साथ अच्छा लगा एंड मोहक मुंबई से शिफ्ट होने की भी सोच रहे थे, तो मोहक ने डिसाइड किया कि वो दिल्ली शिफ्ट हो जाएंगे एंड कुणाल भी अपना पीजी चेंज करने की सोच रहे थे, तो दोनों ने दिल्ली में एक नया पीजी लेके साथ रहने की सोची। इसके बाद मोहक ने कुणाल को सुरभि से मिलवाया एंड कुणाल ने मोहक को नितेश से मिलवाया। मोहक एंड सुरभि दोनों को ही नितेश का सपोर्टिव नेचर काफी ज्यादा अच्छा लगा। नितेश उन दिनों अपने दोस्तों के साथ एक अलग पीजी में रहते थे। मोहक एंड सुरभि दोनों को ही नितेश का सपोर्टिव नेचर काफी अच्छा लगा, पसंद। फिर इन सबने साथ में वीडियोस बनाने का डिसाइड किया। उन दिनों नितेश अपने दोस्तों के साथ एक अलग पीजी में रहते थे, तब वो वीडियो बनाने के लिए मोहक एंड कुणाल के पास आया करते थे। फिर एक दिन मोहक कुणाल एंड नितेश ने डिसाइड किया कि वो तीनों ही साथ रहेंगे और वो साथ में शिफ्ट हो गए और तब से अब तक ये तीनों साथ ही है। एंड रही कुशनाल की बात, तो जून 2020 के लॉकडाउन में ऑनलाइन लूडो खेलते हुए कुणाल की मुलाकात खुशी से हुई। कुणाल ने ही खुशी को पूरे ग्रुप से इंट्रोड्यूस करवाया और ये पांचों दोस्त बन गए। लेकिन गाइस किसी की बुरी नजर लग गई है इस प्यारे से ग्रुप को एंड फिलहाल मोहक एंड सुरभि की लड़ाई की खबरें निकल कर आ रही है। अभी तक इन दोनों ने ही इस पर चुप्पी साध रखी है। आखिरकार इन दोनों के बीच क्या हुआ है किसी को नहीं पता, पर गाइस हम सबकी यही दुआ है कि जल्दी से इन दोनों के बीच सब कुछ सही हो जाए, जो भी झगड़ा हुआ है जल्दी से सॉर्ट आउट हो जाए एंड हमें फिर से ये पांचों एक साथ देखने को मिले, क्योंकि फैंस को इन पांचों की मस्ती मजाक साथ वाली वीडियोस, प्रैंक वीडियोस, व्लॉग्स काफी ज्यादा पसंद आते हैं। तो गाइज ये थी इन पांचों की दोस्ती की कहानी। अगर इस कहानी में आपको कुछ भी डाउट हो तो नीचे कमेंट में जरूर पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई जरूर करूंगी। कुछ कंफ्यूजन हो वीडियो को लेकर या दिखाई गई इन्फॉर्मेशन को लेकर तो भी कमेंट में पूछ सकते हैं एंड हाँ, वीडियो में कोई गलती हो तो वो भी आप जरूर बताना। एंड रही बात इनकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन की, तो जल्दी मैं इन पांचों की बायोग्राफी की वीडियो भी बनाने वाली हूँ।
एंड गाइस ये वाली वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो प्लीज। एंड लास्ट में आप सभी को हैप्पी फ्रेंडशिप डे, लव यू गाइस, मिलते हैं नई वीडियो के साथ।